हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा कि मुझे मेरे 80,000 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी तक मैंने फिटनेस से रिलेटेड कोई फुल वीडियोस नहीं अपलोड किया है। मैं ज़्यादातर रील अपलोड की है, तो आपका प्यार मुझे इतना मिला यूट्यूब पर, मैंने कभी सोचा नहीं था 1 साल में मेरा चैनल इतना ग्रोथ कर जाएगा। बीच में कुछ कंडीशंस ऐसी आ गई थी कि मेरा चैनल जो है वो बंद हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके, कोशिश करके मेरा चैनल जो है उसे चालू करवाया। सो गाइज, मैं आज से फुल वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पे जाके क्लिक ज़रूर करिएगा। इससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आएंगे। और गाइज, अभी तक आपने जितने भी यूट्यूबर्स देखे, जितने भी फिटनेस मॉडल्स जो देखे, जो व्लॉग्स बनाते हैं, आपका भाई फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहा है, तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। अभी कंपटीशन आने वाला है तो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं कटिंग पे जा रहा हूँ, तो जो भी वीडियोस है मेरे कटिंग्स के, मेरे डाइट के, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा कि एक बॉडी बिल्डर जो है, एक एथलीट है, उसे कितनी परेशानियाँ आती है, वो क्या करता है दिन भर में, उसका डाइट कैसा होता है। तो मैं आपके साथ में ये सारी वीडियोज़ जो है वो आपके साथ में शेयर करूँगा। गाइज, अभी मैं उठ चुका हूँ और मैं अभी जाने वाला हूँ कार्डियो के लिए। मॉर्निंग में मैंने ये जो है उठते सी मैं करेले का जो जूस है वो लेता हूँ। मैं मनोज पाटिल सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मनोज पाटिल सर सुबह उठते सी करेले का जूस लेते हैं, तो मैं भी करेले का जूस पीता हूँ। सो गाइस, अभी हम पीने वाले हैं करेले का जूस। क्या बात है। सो गाइस, अभी मैं निकलने वाला हूँ जिम के लिए। जिम जाके हम करेंगे कार्डियो और एब्स। मॉर्निंग में हमारा कार्डियो और एब्स होता है एम्प्टी स्टमक करेले के जूस के साथ में, और उसके बाद में मेरे दिन का जो शेड्यूल है, मैं दिन भर क्या करता हूँ, क्या डाइट लेता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, क्या करता हूँ, सब आपके साथ में शेयर करूंगा। सो गाइस, बने रहिए वीडियो में। A digital breeze from cybernet seas. We may not make it out of the bay. Just unwind, it doesn't matter anyway. Try not to freeze or throw away the keys. A predator is now the prey. Things could be different. Things could be alright. Things could be innocent. When dark becomes light. आपने देखा कि मैंने फर्स्ट करेले का जूस पिया, उसके बाद में मैं जिम आया। मैंने जिम में 15 मिनट ट्रेडमिल करी, 15 मिनट क्रॉस ट्रेनर किया, 15 मिनट साइकिल करी, उसके बाद में 45 मिनट्स मैंने एब्स एक्सरसाइज करी। मज़ा आ गया दोस्तों। अभी इसके बाद में मैं जाने वाला हूँ घर पर, उसके बाद में हम फर्स्ट मील लेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे ऑफिस के लिए, जहाँ पर हमारा जिम जो है अभी सेटअप जो है हमारा स्टार्ट होने वाला है। गुरुसिक मॉल है मेरी सिटी में, वहाँ हमारा बहुत बड़ा लग्जरी जिम सेटअप जो है वो जल्दी ओपनिंग होने वाली है। आपको साइड भी मैं विजिट करवाऊंगा। उसके बाद में हम लोग मील लेंगे, और इवनिंग में मैं जाता हूँ मसल प्रैक्टिस के लिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए। तो शाम में हम लोग वर्कआउट करेंगे, उसका भी वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। गाइस, बने रहिए वीडियो में। अभी ऑफिस जाने का टाइम हो गया, मैं फ्रेश हो चुका हूँ और मेरी जो मील है वो भी रेडी हो चुकी है। मैं ले रहा हूँ एग्स, एग्स वाइट जो है मैं अभी ले रहा हूँ, और इसके साथ में मैं ऐड किया है सैलेड, जिसमें मैं गाजर, कैबेज, पत्ता गोभी जो है वो मैं ले रहा हूँ।
तो ये मेरी पोस्ट वर्कआउट मील है जिसके अंदर मैं एग्स वाइट ले रहा हूँ, सैलेड ले रहा हूँ, साथ में दोस्तों मैं ले रहा हूँ मेरा प्रोटीन जो कि मसल स्ट्रॉन्ग का है और मेरे बजट में मुझे ये मिल जाता है। काफ़ी अच्छा फ्लेवर है, इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो मसल स्ट्रॉन्ग का जो सप्लीमेंट है आयसोलेट जो है वो कटिंग टाइम पे मैं यूज़ करता हूँ तो बहुत बेस्ट है, आप भी इसे एक बार ट्राई ज़रूर करिए। तो दोस्तों ये हो गई मेरी फर्स्ट मील, अभी इसके बाद हम जाएंगे ऑफिस, ऑफिस में मैं आपको बताऊंगा हमारा न्यू जिम का सेटअप जो कि रेडी हो रहा है। और नेक्स्ट मील क्या रहेगी ये भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, बने रहिए वीडियो में। अभी जो आपने देखा वो हमारा जिम है गुरु सिख मॉल में जो जल्दी ओपन होने वाला है और वो फर्स्ट फ्लोर पे है, उसका काम स्टार्ट हो रहा है तो मैं ज़्यादा अंदर तक आपको वीडियो नहीं दिखा पाया क्योंकि काम के बीच में हम लोग नहीं जा सकते। तो 11 नवंबर को इसका ओपनिंग होने वाला है गाइस। तो साइड पे वॉक चल रहा है, ये हमारा मॉल है, ये हमारा ऑफिस है, यहाँ पर हमारा जो सेटअप है वो जो है 11 नवंबर को ओपनिंग हो जाएगा। गाइस अभी मैं ऑफिस से घर आ चुका हूँ लंच में और मैं मेरी सेकंड मील बना रहा हूँ जिसमें मैं ले रहा हूँ चिकन और मैं उसे बॉयल करके बना रहा हूँ। मेरी मील जो है मैं खुद ही बनाता हूँ और इसमें मैं प्याज ले रहा हूँ और थोड़ा टमाटर, इसमें ऑयल सॉल्ट मसाला मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा हम धनिया डालेंगे और मेरी मील जो है मैं वो खुद ही प्रिपेयर करता हूँ। ये मेरी सेकंड मील है, इसके बाद में हम बढ़िया इसको खाएंगे, फिर मुझे वापस जाना होगा ऑफिस, फिर वहाँ से मैं आऊँगा प्री वर्कआउट मील लूँगा और फिर शाम में इवनिंग में वर्कआउट करने के लिए जाऊँगा। तो गाइस बने रहिए वीडियो में। सो गाइस हमारी सेकंड मील बन के रेडी है जिसके अंदर मैं ले रहा हूँ चिकन और थोड़े से चावल, साथ में ले रहा हूँ सैलेड। और गाइस आपको हमेशा याद रखना है अगर आप कटिंग टाइम पे हो, अगर आप बॉडी कट कर रहे हो, आपको एब्स चाहिए, आपको बॉडी शेरेट चाहिए तो आपको कैलोरीज जो है कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपको लो करना होगा, वो प्रोटीन इंटेक जो है वो आपको हाई करना होगा, जिसके अंदर आप चावल जो है वो एक टाइम खा सकते हैं लेकिन आपको रात में नहीं खाना है और आपको बाहर की चीज़ें अवॉइड करना है, आपको ऑयल अवॉइड करना है, आपको रोटी बंद करना होगी, आपको मसाले वाली चीज़ें खाना बंद करना होगी। सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रोटीन इंटेक जो है आपको हाई रखना है और कार्ब जो है वो आपको लो रखना है, बिल्कुल भी कम कर दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बल्की हो, बहुत ज़्यादा मोटे हो आप, आपको फैट लॉस करना है, बहुत ज़्यादा बल्की हो, आपको वेट बहुत ज़्यादा गेन हो चुका है तो आप कार्ब लोडिंग बिल्कुल भी मत करिए, छोड़ दीजिए। आप प्रोटीन वाली चीज़ें लीजिए, आप वेजिटेबल्स लीजिए, आप फ्रूट ले सकते हैं, आप जूस ले सकते हैं। सो गाइस अभी मैं इसको खाऊंगा।
जैसा भी बनाया बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाया, क्योंकि मेरे हाथ से बनाया मैंने। अभी ये खा के हम ऑफिस निकलने वाले, ऑफिस से बाद में हम लोग आएंगे, प्री वर्कआउट मिलेंगे और शाम में करेंगे एकदम जोरदार वर्कआउट। थैंक यू सो मच। ऑफिस में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैं अभी आ चुका हूँ घर पे और अभी जाने वाला हूँ जिम पे, वर्कआउट करने वाला हूँ तगड़ा। और मैं अभी बॉयल चिकन जो है वो खा रहा हूँ, प्री वर्कआउट में बॉयल चिकन अभी खा रहा हूँ। चिकन खाने के बाद में मैं कुछ मेरे सप्लीमेंट्स लूँगा, उसके बाद में अभी वर्कआउट हो गया है। आपने देखा कि मैंने लेग्स वर्कआउट किया, ज्यादा वर्कआउट नहीं डाल पाया मैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती। नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूंगा कि पूरा फुल वर्कआउट डालने की कोशिश करूं, जो वर्कआउट सीरीज होगी उसमें मैं फुल वर्कआउट वीडियोस डालूंगा। अभी जो है मैं पोस्ट वर्कआउट मील ले रहा हूँ, जिसमें मैं फिश ले रहा हूँ, साथ में ले रहा हूँ सैलेड, और इसके बाद में मैं लूंगा मेरा सप्लीमेंट। फिश जो है मैंने हल्के से ऑयल में, एकदम ऑलिव ऑयल मैंने यूज किया और प्रॉपर फ्राई कर ली है, और उसके साथ में ले रहा हूँ सैलेड। आपने देखा कि मैंने कैलोरीज दिन भर में कितनी कम ली, एक ही बार मैंने राइस यूज किया है, मैंने 2 times चिकन लिया, 1 time एग्स लिए, नाइट में मैं फिश ले रहा हूँ। आप एग्स भी ले सकते हो, चिकन भी ले सकते हो। आज का मेरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी था गाइज, होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैंने क्या क्या चेंजेस करना चाहिए वीडियोस में, क्योंकि मेरे लिए ये नया नया है। सो गाइज कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छी वीडियोस बनाएं। थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे जाके क्लिक ज़रूर करना। आपका भाई आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आएगा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।